जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान तारिक है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड फ्रॉम यूके। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ फैसलाबाद से, बट नाउडेज आई एम लिविंग इन लाहौर। तो मेरा हेयर लॉस का प्रॉब्लम चल रहा था लास्ट 10 ईयर्स से, तो मैं काफ़ी परेशान था इसके लिए। तो मैंने कोई ट्रीटमेंट भी इसके लिए करवाया, कोई मेडिसिन भी इसके लिए ली, लेकिन उसका कोई मुझे रिजल्ट नज़र नहीं आया। तो इसका जो लास्ट सोल्यूशन होता है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि वो सर्जरी ही इसका लास्ट सोल्यूशन होता है। तो उसके लिए मैंने फिर काफ़ी सर्च किया, तो मेरे जिन में जो मेरे सामने एक नाम आया हेयर क्लब का, जिसको फिर मैंने जाके रिसर्च किया, तो पता ये चला कि मुझे कि ये अपनी इस फील्ड में काफ़ी पुराना और पायनियर है इन पाकिस्तान। तो इनके जो डॉक्टर हैं हाईली क्वालिफाइड हैं, और फिर मैंने और इनका मैंने ये भी सुना था कि ये फ्री कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं, तो मैंने जल्दी से फिर इनको आके विज़िट किया। तो इन्होंने मुझे फिर काफ़ी अच्छा ट्रीट किया और मुझे ये रिकमेंड किया कि आप जो इसका प्रोसेस है हाइब्रिड FUE विद DHI, ये रिकमेंड उन्होंने मुझे किया। तो उसके लिए फिर मैंने एडवांस बुकिंग करवाई इनके डॉक्टर की, तो उन्होंने विद इन मंथ मुझे स्लॉट के हिसाब से फिर वो टाइम मुझे दिया। तो जब मैं फिर सर्जरी वाले दिन आया, तो उस दिन इन्होंने काफ़ी मतलब कोऑपरेट किया, क्योंकि ये आपको पता है जो भी सर्जरी हो वो आपके जहन में चीज़ें आती कि यार इसमें कोई पेन होगी या कोई आपके मतलब इस तरह की चीज़ हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल ही पेनलेस मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और जो इनका स्टाफ था वो हाईली क्वालिफाइड था, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे सर्जरी वाले दिन भी, और सर्जरी से लेके सर्जरी के मतलब जो रिकवरी पीरियड है उसके दौरान कोई इस तरह की मुझे पेन फील नहीं हुई। और उसके बाद इन्होंने मुझे एक प्लान दिया जिसमें कुछ मेडिसिन थी जो प्रिस्क्राइब की, और मैं उस प्लान को लेके आज तक चल रहा हूँ, मुझे तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया हुआ है। और जो मेरा हेयर लॉस था वो बिल्कुल ही मतलब आगे वाला जो फ्रंट एरिया था वो बिल्कुल बोल्ड हो गया हुआ था। तो अभी आप मेरा रिज़ल्ट उसका देख सकते हैं कि अभी क्या उसका है। मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है, और इसके डॉक्टर बहुत प्रोफेशनल हैं, अमेरिकन सर्टिफाइड डॉक्टर हैं इनके, जो कि मेरा नहीं ख्याल में पाकिस्तान में अभी ये ट्रेंड है। दूसरा मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। थैंक यू।